नमस्कार दोस्तों, मैं इसके चौधरी एक बार फिर से आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में मतलबी लोगों से दूर रहता है, लेकिन जब ऐसे लोग रिश्तेदार या दोस्त बन जाते हैं तब जिंदगी मुसीबत की ओर बढ़ने लगती है, क्योंकि ये लोग पहले आपसे अपने रिश्ते की घनिष्ठता को बढ़ाते हैं, फिर अपनी ज़रूरत को आपके सामने रखते हैं। आजकल ज़्यादातर लोग मदद के रूप में पैसा ही मांगते हैं, और दोस्तों, जब रिश्तों में पैसों की बात आती है तभी रिश्तों में करवाहट आने लगती है। कुछ रिश्तेदार और दोस्त मतलबी भी होते हैं और फ्रॉड भी होते हैं। पहले आपको अपनी शानो शौकत दिखाते हैं, अच्छे होटलों में खाना खिलाते हैं और महंगी गाड़ियों में घुमाते हैं, फिर आपको कई झांसा देकर आपसे लाखों रुपये की ठगी करते हैं। तो दोस्तों, आइए आज के वीडियो में हम ऐसे ही मतलबी रिश्तेदारों के बारे में कुछ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जो अच्छा लगे तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मेरी मासूम नादानियों ने मुझे रुलाया है बहुत, मतलबी रिश्तेदारों ने मेरा दिल दुखाया है बहुत। दुख के समय जो साथ न हो उसे जान लो, मतलबी रिश्तेदारों को करीब से पहचान लो। मतलबी रिश्तेदारों का बस इतना ही फसाना है सराफा का फायदा उठाने के लिए रिश्ते को दिखाना है। उनसे ही रखो रिश्ता जो इसके काबिल है, रिश्तेदारी निभाने में बड़ा टूट हमारा दिल है। इस दुनिया में अब सिर्फ मतलब की रिश्तेदारी है, रिश्तेदारों से थोड़ी दूरी बनाकर रहना ही समझदारी है। आपके पास पैसा है तो हर दिन दुआ सलाम है, मतलबी रिश्तेदारों की सिर्फ यही एक पहचान है। इस मतलबी दुनिया में कौन किसी का होता है, धोखा वही रिश्तेदार देता है जिस पर अटूट भरोसा होता है। किसी किसी की जुबान मिर्च की तरह तीखी होती है, यकीन मानिए मतलबी की जुबान बड़ी ही मीठी होती है। कुछ रिश्तेदार कई बार फोन करने पर भी फोन नहीं उठाते हैं, समझ में नहीं आता कि ये मतलबी है या फिर कामों में व्यस्त है। लोग धोखा इसलिए देते हैं क्योंकि उनमें मक्कारियां आ जाती है। लोग मतलबी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनमें चालाकियां आ जाती है। मतलबी दुनिया का मैंने यह दस्तूर देखा है, जिसकी मैंने मदद की जरूरत पड़ने पर उसको दूर देखा है। अक्सर आप उन्हीं लोगों के बारे में अच्छी तरह से जान पाते हैं जो आपके करीब होते हैं। फिर भी कोई इंसान किसी को पूरी तरह नहीं समझ पाता है। आजकल ज़्यादातर रिश्तों की बुनियाद स्वार्थ या मतलब पर ही टिकी हुई है। आके निकल जाने की दौड़ में इंसान अपनी समस्या को ही समस्या समझता है। आजकल लोग 4 घंटे मोबाइल पर अपना समय बर्बाद कर देते हैं, पर अगर कोई आपसे वक्त मांगे तो वो अपने आप को व्यस्त होने को कह देते हैं। मतलबी लोगों से रिश्ता निभाते नभाते हम तो गुनाहगार हो गए। मतलबी रिश्तेदारों से अब वास्ता नहीं रखेंगे, यकीन मानिए अब हम खुद को तनहा नहीं रखेंगे। थोड़ा पैसा कमा लीजिए फिर कई रिश्ते बन जाएंगे, पर यकीन मानिए ज़्यादातर मतलबी रिश्ते ही बनेंगे। हर रिश्ता जुड़ने की एक वजह होती है, इसे मतलब कहिए या फिर प्यार कहिए। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती है। जो गफलत में जीते हैं उनके चेहरे की मुस्कान भी छिन जाती है।
जो मतलब में जीते हैं, अगर आप किसी रिश्तेदार की मदद करते हैं और वह जरूरत पड़ने पर आपकी मदद नहीं करता तो उसको मतलबी रिश्तेदार कहते हैं। लेकिन किसी को मतलबी कहने से पहले पूरी सच्चाई जरूर जान लेनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि किसी मजबूरी की वजह से आपके जरूरत पड़ने पर वह मदद न कर पाया हो। जो लोग अपने रिश्तेदारों से जरूरत से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, वही लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि साहब, वो तो मतलबी रिश्तेदार है। रिश्ता वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, रिश्ता वो होता है जो प्यार से निभाया जाए। मतलब तो तभी लोग हालचाल पूछने आते हैं, मतलब ना हो तो आंखें चुराकर आगे निकल जाते हैं। खुशियों में तो रिश्तेदार का मेला होता है, अगर विपदा पड़े तो इंसान बहुत अकेला होता है। बिना मतलब के रिश्ते बनाने वाले फरिश्ते अब इस दुनिया में कहाँ है। दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।